बहुत से लोग कहते हैं कि क्रूज सबसे रिलैक्सिंग और लग्जरी जगहों में से एक है, और हाँ अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो जिस क्रूज पर मैं गई थी वो भी बहुत शानदार था। लेकिन ये बता दूं कि मैं वहां मरते मरते बची थी तो मैं यही कहूंगी कि मेरे लिए क्रूज ये बिल्कुल भी रिलैक्सिंग नहीं था। मैं छुट्टियों पर जाने का प्लान बना रही थी लेकिन क्रूज पर कुछ दिन बिताना चाहती थी और अचानक एक चांस अपने आप आ गया। टिंडर पर मेरी मुलाकात रिचर्ड से हुई थी। उसने मुझे बताया कि वो क्रूज शिप का कैप्टन था। उसके साथ कई बार बाहर जाने के बाद उसने मुझसे कहा कि वो मेरा बर्थडे अपनी क्रूज शिप पर मनाना चाहता है। उसका आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं पहले कभी क्रूज शिप पर नहीं गई थी और उसमें भीड़ भी बहुत हो गई थी, पर मुझे पता था कि ये एक सेफ जगह है। ट्रैवल के दिन मैंने देखा कि मेरा नाम क्रूज लिस्ट में नहीं था और ना ही मेरे पास कोई पर्सनल रूम था। मुझे ये थोड़ा अजीब और अनकंफर्टेबल भी लगा, लेकिन मैं समझ गई और इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया। रिचर्ड बहुत अच्छा इंसान था और उसके साथ मुझे कंफर्टेबल फील हो रहा था। मैं हमेशा अपना बर्थडे बहुत सारे लोगों के बीच बिताती हूँ। वैसे भी उसने मुझसे कहा था कि वो रूम में एक छोटी सी बर्थडे की पार्टी देगा और अगले कुछ दिन फैमिली और दोस्तों के साथ स्पेंड करने हैं, इसलिए इस बात ने मुझे परेशान नहीं किया। रूम में जाने से पहले क्रूज जहाज में चारों तरफ घूम रही थी। रिचर्ड शायद वहां पहले से ही मौजूद था और मेरी छोटी सी पार्टी के लिए चीजें तैयार कर रहा था। एक लंबे हॉलवे से होकर उसके रूम के दरवाजे तक जाते वक्त कुछ अजीब घटना घटी। मेरे सामने दो अजीब औरतों की फिगर्स दिखाई दी। उन दोनों ने मुझे गुस्से से देखा, ये कहां से आई हैं? मेरे सवाल का जवाब मिलने में देर नहीं लगी क्योंकि उनमें से एक पलक झपकते ही मेरे सामने आ गई और अननेचुरल स्पीड और वायलेंट होकर उसने मुझे बालों से पकड़ लिया और हॉलवे में रिचर्ड के दरवाजे से दूर खींच लिया। ये देखकर मैं बहुत डर गई और मैं जितनी तेजी से दूर भाग सकती थी भागी। जब मैं शांत हो गई तो मैं कैप्टन के केबिन में गई और कुछ हद तक डरते हुए मैंने रिचर्ड को वहां देखा। मैंने उसे बताने की हिम्मत नहीं की कि मैंने भूत देखे हैं, वो शायद सोचेगा कि मैं पागल हूं। इसलिए मैंने उसे बताया कि उसके रूम के पास दो औरतें थीं जिन्होंने मुझे लूटने की कोशिश की। उस आदमी ने अपने कम्युनिकेटर से सब कैप्टन को फोन किया और हम मेरे साथ उसकी रूम की तरफ भागे, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं इस बात से बहुत हैरान हूँ, यहाँ आमतौर पर कोई भी चोरी नहीं करता। ये सभी लोग बहुत ही अमीर होते हैं और कोई भी बिना टिकट के अंदर नहीं आता। लेकिन वो औरतें सच में बहुत डरावनी थीं। मुझे यहाँ अकेला रहना अच्छा नहीं लग रहा। ओह, चिंता मत करो, मैं ब्रेक ले सकता हूँ। इस शिप का इंचार्ज मैं अकेला नहीं हूँ। चलो रूम में चलते हैं, मैंने तुम्हारी बर्थडे पार्टी के लिए सब कुछ तैयार कर लिया है। एक बार जब हम वहां पहुंचे तो मैं थोड़ा डरते हुए रूम को अच्छे से देख रही थी और रिचर्ड अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रहा था। जैसे ही मैंने रूम के चारों तरफ देखा, वहां कोई बर्थडे की सजावट या ऐसी कोई चीज नहीं थी, बस एक अच्छा रूम था। शायद उसकी अलमारी में कोई बड़ा गिफ्ट छिपा हुआ होगा। और तभी वहां तक शीशे पर मेरी नजर पड़ी और एक दबी हुई चीख के साथ मैं डर के मारे पीछे कूद गई। वे दोनों औरतें शीशे में दिख रही थीं। दोनों के चेहरे बहुत डरावने थे और उनके पूरे शरीर पर चाकू के घाव थे। वे दोनों मेरी तरफ देख रही थी लेकिन साथ ही रिचर्ड की तरफ इशारा भी कर रही थी। जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, मुझे एहसास हुआ कि उसके हाथ में कोई चमकदार चीज थी। वो बर्थडे का कोई बड़ा गिफ्ट नहीं था, वो एक चाकू था। अचानक रिचर्ड धीरे धीरे मेरी तरफ चलने लगा। उसका चेहरा अजीब नेगेटिव एक्सप्रेशन से भरा था और वो अपनी डरावनी स्माइल को छिपा नहीं सका। हैप्पी बर्थडे रिचर्ड, तुम उस चाकू के साथ क्या कर रहे हो? तुम्हें सरप्राइजेस पसंद नहीं है? ये मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं है रिचर्ड, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। मैं उसके इरादे समझ गई लेकिन उस आदमी को कोई मतलब नहीं था। मैं घबराई हुई दरवाजे की तरफ भाग गई लेकिन दरवाजा बंद था। जब मेरा ध्यान भटका था तो रिचर्ड ने उसे बंद कर दिया था। वो साइको अपने चाकू के साथ पूरी स्पीड से दौड़ता हुआ आया, पर मैं गिर गई और मेरा सिर फर्नीचर से टकरा गया। मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे और रिचर्ड ने देख लिया, ये जानते हुए कि मैं कितनी हेल्पलेस थी, और धीरे धीरे मेरी तरफ चलने लगा। मैं मरने वाली थी और वो मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहा था और मुझे देखकर उसे खुशी हो रही थी। वो उस बिल्ली की तरह था जो चूहे को मारने से पहले उसके साथ खेलती है। मैंने खड़े होने की कोशिश की लेकिन मैं जमीन पर गिर गई। मुझे लगी चोट से खून बह रहा था, बचना या अपना बचाव करना भी इम्पॉसिबल हो रहा था। जमीन से उठने की परवाह किए बिना रिचर्ड मेरी तरफ आया।
बिना दबाव डाले मेरे शरीर पर वार करना शुरू कर दिया। चाकू ठंडा और तेज था। मैं वहां ऐसे नहीं मर सकती थी, मुझे कुछ करना होगा। मैंने अपनी सारी एनर्जी गेन की और फिर मैं सिर्फ एक चीज करने में कामयाब रही। मैंने उसके चेहरे पर झटका दिया, लेकिन इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो इस बात का मजा ले रहा था कि मुझ में अभी भी लड़ने के लिए एनर्जी बची थी। खुश होकर और मुस्कुराते हुए रिचर्ड ने मुझ पर अटैक करने के लिए चाकू उठाया। मैं अपनी आंखें भी बंद नहीं कर पा रही थी, मैं सिर्फ चाकू को अपनी तरफ आते हुए देख रही थी। फिर रिचर्ड और मुझे दोनों को हैरानी हुई, क्योंकि अचानक मैं ऐसे उड़ के गई जैसे किसी चीज ने मुझे दूर फेंक दिया हो। झटका इतना जोरदार था कि दरवाजा मेरी पीठ से खुल गया। यह ऐसा था मानो किसी उद्देश्य चीज ने मुझे ताकत के साथ मुझे पकड़ लिया हो और जितना पॉसिबल हो सके मुझे दरवाजे पर दूर पटक दिया हो। मेरा शरीर पहले से कहीं ज्यादा दर्द कर रहा था, लेकिन मेरे सिर पर अब और चोट नहीं लगी थी। अब मुझ में नई एनर्जी थी। मैं जितनी तेजी से हो सके रेंग कर चलती गई, चीखती चिल्लाती रही और हेल्प के लिए बोलती रही। गुस्से में अंधा होकर रिचर्ड भी चिल्लाया और चाकू लेकर मेरे तरफ दौड़ा, लेकिन इस बार वो मेरा कुछ नहीं कर सकता था। इससे पहले कि वो मेरी तरफ आ पाता, पास के कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोक दिया और इस बार वो पकड़ा गया था। जैसे ही लोगों ने रिचर्ड को रोका, मैं बेहोश होने लगी। अपनी आंखें बंद करने से पहले चीज जो मैंने देखी वो थी उस रूम में खड़ी वो दो डरावनी औरतें। वो अभी भी मुझे घूर रही थी। इसके तुरंत बाद मैं हॉस्पिटल में उठी। पुलिस ऑफिसर ने मुझे बताया कि रिचर्ड को हत्या के प्रयास करने के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन जल्द ही सच्चाई सामने आ गई। रिचर्ड को हत्या का दोषी ठहराया गया था, लेकिन किसकी? रिचर्ड ने अपने रूम में दो लड़कियों को बहकाकर बुलाया था और मार डाला। जब मैंने औरतों की तस्वीरें देखी तो मैंने उन्हें तुरंत पहचान लिया। ये वही भूत थी जो शिप में मेरे साथ थी। उन्होंने कभी भी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, वे बस मुझे उस रूम से दूर ले जाना चाहती थी। उनके मरने के बाद भी वे नहीं चाहती थी कि मुझे उनकी तरह ही कष्ट सहना पड़े। वे नहीं चाहती थी कि मेरी लाइफ उस साइको के हाथों से खत्म हो जाए। कुछ हफ्तों बाद मैंने अपना बर्थडे मनाया, इस बार फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। उस दिन के बाद से मैं हर किसी के लिए बहुत ज्यादा शक्की मिजाज की हो गई हूँ। आप कभी नहीं जानते कि अच्छे, दयालु और शांत दिखने वाले इंसान के पीछे आपको एक मॉन्स्टर भी मिल सकता है। जब मैं स्कूल में था तो मैं उस वक्त बहुत ही शरारती बच्चा था। मुझे और मेरे फ्रेंड एरिक को हमारे व्यवहार के लिए हमेशा अलग अलग टीचर्स बहुत पनिशमेंट देते थे। अपने स्कूल के सबसे शैतान बच्चे के बारे में सोचो। हाँ, मैं और एरिक भी वैसे ही बच्चे थे। हमने लगभग हर दिन टीचर्स को परेशान किया। कई बार हमारे पेरेंट्स को प्रिंसिपल ने हमारी शिकायत करने के लिए भी बुलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं और एरिक पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, इसलिए हमारे पेरेंट्स हमारी शरारतों पर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमारी शरारतें भी और ज्यादा बड़ी होती गईं। और अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे सच में उन सभी टीचर्स और स्टाफ मेंबर्स के लिए बुरा लगता है। लेकिन आज मैं आपके साथ एक डरावनी स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ, एक शरारत जो बहुत गलत हो गई। उस वक्त मैं और एरिक बहुत बुरे लेकिन क्यूरियस बच्चे थे। हमने हमेशा कुछ हटके साइंस प्रैक्टिकल्स किए थे और अपने स्कूल के लिए बहुत प्राइजेस जीते थे। तो हमारी इंटेलिजेंस ही एक ऐसा कारण था जिसके कारण हमें अभी भी अपने स्कूल से रेस्टिगेट नहीं किया गया था। तो हमारी 9वीं क्लास चल रही थी और हमारा साइंस लैब से नया इंट्रोडक्शन हुआ था। हमने मेंढकों को काटना काफी एंजॉय किया और यहाँ तक कि कुछ बेसिक साइंस एक्सपेरिमेंट भी बड़ी आसानी से कर लिए थे। लेकिन इस बार हमें एक मुश्किल एक्सपेरिमेंट करना था। मैं और एरिक इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए बहुत क्यूरियस थे, लेकिन टीचर ने हमें इसे धीरे धीरे और सावधानी से करने के लिए कहा था। हमारी टीचर ने हमें दिखाया कि ये कैसे करना है और टीचर पर ध्यान देने के बजाय मैं और एरिक लैब में टूल्स को देखने पर टाइम वेस्ट कर रहे थे। एरिक हम में से सबसे ज्यादा खुश और एक्साइटेड था। उसने बस दो टेस्ट ट्यूब्स उठाई और एसिड को पानी में डाल दिया, जबकि असल में हमें एसिड में पानी बहुत धीरे धीरे डालना पड़ता है। हमारी टीचर ने यह देखा और हमारी तरफ भाग कर आ रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो एरिक को रोक पाती, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो चुका था और गर्म लिक्विड के छींटे हमारे सामने खड़ी टीचर पर गिरने लगे। एरिक ने अपने हाथों को बचाने की कोशिश में टेस्ट ट्यूब को नीचे गिरा दिया, लेकिन गर्म लिक्विड उसकी शर्ट पर गिर गया। यह घटना एरिक के बर्थडे से 2 महीने पहले हुई थी। टीचर इतने गंभीर रूप से जल गई कि उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया।
ये पहली बार था जब हमारी शरारतों ने किसी को इतनी बुरी तरह से घायल किया था और हमें एक हफ्ते के लिए स्कूल से निकाल दिया गया था। एक हफ्ते बाद जब हम वापस आए तो हमें खबर मिली कि टीचर अभी तक ठीक होने के लिए स्ट्रगल कर रही है। हमने जो किया हम उसके लिए बहुत गिल्टी फील कर रहे थे। हम शरारती स्टूडेंट्स ने अभी तक सबक नहीं सीखा था। हमने अपनी शरारतें जारी रखी और अपने क्लासमेट्स और टीचर्स को परेशान किया। एरिक की एक बुरी आदत थी, उसे टेस्ट ट्यूब चुराना बहुत पसंद था। जब भी हम साइंस लैब में जाते थे वो कुछ टेस्ट ट्यूब चुरा लेता था। टीचर हमेशा हैरान होते थे कि टेस्ट ट्यूब्स इतनी कम क्यों हो जाती थी। मैंने टीचर्स को कभी नहीं बताया कि एरिक ही उन्हें चुराता था। उसे घर में टेस्ट ट्यूब में अलग अलग पौधे लगाना पसंद था क्योंकि उसे प्लांट्स बहुत पसंद थे। एरिक के पेरेंट्स ने उसके लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी का फैसला किया था। उस दिन हमारे नए साइंस टीचर, जो हमारी शरारतों से अनजान थे, उन्होंने मुझे और एरिक को हमारी साइंस लैब में टूल्स की सफाई का इंचार्ज बना दिया। लेकिन एरिक ने सोचा कि ये ढेर सारी टेस्ट ट्यूब चुराने का एक अच्छा मौका होगा। मैंने उससे कहा कि ये एक बुरा आइडिया होगा, लेकिन एरिक ने मुझे इग्नोर कर दिया और मुझसे कहा कि हमारा काम पूरा होने के बाद वो बहुत सारी टेस्ट ट्यूब चुराने वाला है। फ्री पीरियड के एंड में एरिक और बाकी कुछ स्टूडेंट्स, जिन्हें हमारे साथ लैब में सामान को साफ करने के लिए अपॉइंट किया गया था, हम सब अपना काम लगभग पूरा कर चुके थे और अब एरिक अपने प्लान को पूरा करना चाहता था। हमने उन स्टूडेंट्स को हमसे पहले अगले लेक्चर में जाने के लिए कहा। हमने उनसे कहा कि हम लैब को बंद कर देंगे और टीचर्स को चाबियां दे देंगे। इसके अलावा ये मेरी ड्यूटी थी कि मैं स्कूल के बाद एरिक को सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए सीधे घर ले जाऊं। प्लान के हिसाब से एक बार जब बाकी स्टूडेंट्स चले गए तो एरिक ने अपनी पैंट की जेब में टेस्ट ट्यूब्स भर ली। उसने मुझे भी कुछ टेस्ट ट्यूब्स चुराने के लिए कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। लेक्चर के दौरान हम किसी तरह के क्लास में जाने के बजाय जेंट्स टॉयलेट में छिपने में कामयाब रहे। स्कूल जल्दी से खत्म हो गया और एरिक और मैं उसके घर की तरफ जाने लगे। हमारे कई दोस्त पार्टी में आने वाले थे और मुझे पता था कि वो सब स्कूल के बाद एरिक के घर आ जाएंगे। जब हम उसके घर जा रहे थे तब भी उसके पैंट के जेब में वो सारी टेस्ट ट्यूब्स थीं। मैंने उसे कई बार सावधानी से चलने को कहा। जैसे ही हम उसके घर में पहुंचे उसने अपनी चाबियों से दरवाजा खोला और लाइट ऑन कर दी। अचानक मेरे साथ लगभग 30 लोगों का एक बड़ा ग्रुप चिल्लाया। एरिक अपना बैलेंस खो बैठा और कारपेट पर लड़खड़ा कर गिर पड़ा। सभी को ये देखकर हैरानी हुई कि वो खून से लथपथ बैठा था, जबकि उसकी माँ किचन से बर्थडे का केक लेकर आ रही थी। इस बार सभी गेस्ट्स हैरान रह गए। मैं एरिक के पास गया और सभी लोगों को एम्बुलेंस बुलाने के लिए चिल्लाया। सभी लोग अपने शौक से बाहर आ गए और जल्द ही सभी को पता चल गया कि क्या हुआ था। जब वो गिरा था तो उसकी जेबों से टेस्ट ट्यूब्स टूट गए थे और सारे टूटे हुए शीशे उसकी थाइज, हिप्स और आप जानते हैं कि कहाँ चुभ गई थी। उसके बर्थडे की पार्टी मनाने के लिए आए हुए सभी गेस्ट्स हॉस्पिटल में एरिक के इलाज कर रहे डॉक्टर का वेट कर रहे थे। डॉक्टरों ने सभी कांच के टुकड़े निकाले। एरिक का इलाज करने में उन्हें 3 घंटे लगे और वेटिंग रूम में इकट्ठे हुए सभी लोगों को बताया कि वो ठीक है। हमने उस साल उसका बर्थडे हॉस्पिटल के कमरे में मनाया और उसके बाद एरिक और मैंने कभी कोई प्रैंक नहीं किया। साथ ही जब उसके पेरेंट्स ने स्कूल को इस घटना के बारे में बताया तभी साइंस टीचर और स्टाफ मेंबर्स ने आखिरकार टेस्ट ट्यूब चोर को पकड़ लिया। वो अब तक की सबसे खराब बर्थडे पार्टी थी और आज भी जब मैं एरिक को उसके बर्थडे की बधाई देने जाता हूँ तो मैं उस घटना के बारे में बोलकर उसे चिढ़ाता हूँ। मैं अपने हस्बैंड ब्रैड से अमेरिका में एक प्रोजेक्ट पर काम करने के दौरान मिली थी। ये पहली नजर वाला प्यार था, ज्यादा कुछ पता भी नहीं चला और हम शादी कर चुके थे। मैं एक यूरोपियन लड़की हूँ इसलिए मुझे यूनाइटेड स्टेट्स में सेटल होने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन वहाँ मुझे एक चीज बहुत ज्यादा पसंद थी कि मैं और मेरे हस्बैंड अलग अलग जगहों पर कैंपिंग के लिए जा सकते हैं। उसे भी मेरी तरह ट्रैकिंग और कैंपिंग बहुत पसंद है, लेकिन उसके 30वें बर्थडे के लिए मैंने दूसरे स्टेट के 4 दिन की ट्रिप की प्लानिंग बनाई थी। ये ट्रिप खास तौर पर एक स्पेशल ट्रेनिंग ट्रेल की ट्रेनिंग ट्रिप थी। जब मैंने ब्रैड को अपनी प्लानिंग के बारे में बताया तो वो बहुत ही एक्साइटेड हो गया और हफ्ते के बाकी दिनों में हमारी ट्रैकिंग ट्रिप के अलावा किसी और चीज के बारे में नहीं सोच रहा था। मेरी प्लानिंग बहुत ईजी थी। हम शुक्रवार को निकलने वाले थे, शनिवार को ट्रिप की शुरुआत करने वाले थे, शनिवार को जंगल में उसका बर्थडे मनाना था और अगले सोमवार को घर वापस आना था।
ब्रैड ने हमेशा हाई एंड रेस्टोरेंट के बजाय नेचुरल ब्यूटी को प्रायोरिटी दी थी, इसलिए अपना बर्थडे जंगल में घूमते हुए सेलिब्रेट करना उसके लिए एक सपने जैसा था। हमने अपना ट्रेकिंग गियर पैक कर लिया। अब एक यूरोपियन होने के नाते, जो एक साल से ज्यादा टाइम से अमेरिका में है, मुझे अभी तक यही लगता है कि मैं अभी भी यहाँ की लाइफ को जीने का तरीका सीख रही हूँ। इसका मतलब ये भी है कि जिस स्टेट में मैं रहती हूँ उसके अलावा मैं 3 और स्टेट्स में गई हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कंट्री का ज्यादातर पार्ट देखा है। लेकिन अब हमारी ये ट्रिप मेरी तरफ से उनके लिए एक गिफ्ट थी, इसलिए मैंने उन्हें ना तो कोई प्लानिंग बनाने दी और ना ही किसी चीज के लिए पे करने दिया। तो हमारी ट्रेकिंग का पहला दिन शानदार था। हमने एक पहाड़ पर ट्रेकिंग की, एक झरने के किनारे बैठकर लंच किया और रास्ते में बड़े बड़े पेड़ों के नीचे और छोटे तालाब के किनारे पिक्चर्स क्लिक किए। हमने हिरण की एक दुर्लभ प्रजाति को भी वहां देखा। ये हमारे बिजी लाइफस्टाइल को देखते हुए काफी लंबे टाइम बाद गया सबसे रोमांटिक और मजेदार काम था। तो तब तक सूरज डूबने लगा। ब्रैड और मुझे रात के लिए अपना कैंप लगाने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई थी। इसके पास में एक छोटी सी नदी बहती थी। हमने अपने कैंप गाड़े, अपने लिए कुछ खाना बनाया और खाते हुए देखा कि आखिरकार सूरज पहाड़ों के पीछे डूब गया था। एक बार जब सूरज डूब गया तो धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा, लेकिन हमारे पास हेड टॉर्च और बाकी लाइट्स भी थी। हमने अपने कैंप के अंदर रहना ही पसंद किया। ऐसे टाइम में हम आमतौर पर 7 बजे तक सो जाते हैं क्योंकि हमें सुबह जल्दी उठना होता है, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को जन्मदिन की विशेष देने के लिए आधी रात तक जगाना चाहती थी। मैंने सेलिब्रेशन करने के लिए पहले से ही कुछ कपकेक्स पैक कर लिए थे क्योंकि इस जगह पर असली केक तो कहीं से भी नहीं मिल सकता था। ब्रैड को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था और उसने बार बार कहा कि अब हम सो जाते हैं, लेकिन मैंने उसे किसी तरह से जगाए रखा। आखिरकार घड़ी में 4:45 बज गए और ब्रैड मेरे बगल में सो रहा था। मैंने केक निकाला और उसके ऊपर एक छोटी सी मोमबत्ती जलाई और हैप्पी बर्थडे गाते हुए उसे जगाया। ब्रैड को इसकी उम्मीद नहीं थी और वो हमारे इस स्पेशल मोमेंट की खुशी से रो पड़ा। 12:05 हुए थे और हम यमी कपकेक खा रहे थे। अचानक हमने अपने कैंप के पास एक झाड़ी में सरसराहट सुनी। इससे हम अनकंफर्टेबल हो गए, लेकिन हमने ये सोचकर इसे इग्नोर कर दिया कि ये कोई जंगली जानवर भी हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे मिनट बीतते गए वो सरसराहट आती रही और वो आवाज अब कैंप के नजदीक आ गई थी। ऐसी सिचुएशन में ब्रैड काफी शांत रहते हैं क्योंकि उन्होंने पहले भी ऐसी सिचुएशंस का सामना किया है। उनका कहना है कि ये आमतौर पर एक एक्टिव जंगली जानवर है जो हमारी अनजान स्मेल से अट्रैक्ट हो जाता है। उसने मुझे सोने के लिए कहा, लेकिन किसी कारण से मैं सो नहीं पाई। मेरे 6th sense ने मुझे बताया कि ये कोई जंगली जानवर नहीं है। ब्रैड पशु पक्षियों की आवाज में भी स्पेशलिस्ट है। वो आमतौर पर जानवर या किसी पक्षी का अंदाजा उसकी आवाज से ही लगा लेता है, इसलिए जब ब्रैड की आंखें फट गईं और उसका माथा टेंशन से श्रिंक हो गया तो मुझे पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ ब्रैड, ये क्या है? तुमने वो आवाज सुनी? मैंने सुनी, पर ये क्या है? ये एक प्रकार की एक ऊंची आवाज वाली पक्षी की आवाज थी। क्या तुम जानती हो कि ये कौन सा पक्षी है? मैं नहीं जानती, क्योंकि पक्षियों की आवाज का तो आपको ही पता लगता है। मैंने हंसी वाली कमेंट के साथ रिलैक्स फील करवाने की कोशिश की, लेकिन इससे ब्रैड और भी चिंतित हो गया। हाँ, ये एक पक्षी की आवाज है, लेकिन ये पक्षी इस एरिया का नहीं है, कम से कम इस मौसम में और इस रात में तो बिल्कुल भी नहीं। आपका क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि ये मैन मेड था। ठीक है, अब इसका मतलब समझ आया। आमतौर पर ऐसी सिचुएशन में अगर इन पक्षियों के साथ कोई ग्रुप होता है तो वो आमतौर पर आपसे फ्रेंडली होकर आपसे सीधे तरीके से कॉन्टेक्ट करते हैं। अगर वहाँ ऐसे लोग हैं जो बर्ड कॉल का यूज करके कम्युनिकेट कर रहे हैं, वे बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं होते। तो अब हमें क्या करना चाहिए? ब्रैड मुझे जवाब देने के बजाय चुपचाप वहीं बैठकर उसकी आवाज सुनता रहा और वहां पर इसी तरह की और भी पक्षियों की आवाजें आ रही थीं। फिर सरसराहट आती रही और इस बार हम फुटस्टेप्स को भी क्लियरली सुन सकते थे। मारिया, अपना छोटा सा बैग ले लो और हमें निकलना होगा। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है? समझाने का टाइम नहीं है, चलो चलते हैं। अगले 5 मिनट तक हमने अपना उतना ही सामान उठा लिया जितना हमें लगा कि इसकी आगे जरूरत थी। हमने अपने जूते वापस पहने और बाहर की तरफ भागे। हमारी हल्की सी हेडलाइट हमें रास्ता दिखा रही थी। मुझे अभी भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन ब्रैड बहुत ही परेशान था और थोड़ा डरा हुआ था, जिससे मैं भी थोड़ी डरी हुई थी।
हम अपने पीछे आने वाली सरसराहट को सुन सकते थे और ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर हमारा पीछा कर रहा हो और हमें घुरघुराने और हल्की हल्की घुरघुराहट की आवाज सुनाई देने लगी। ब्रैड वहीं जम गया और मैं भी उसके पीछे ही खड़ी हो गई। इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाती, ब्रैड ने ठीक हमारे सामने इशारा किया। वहां कुछ फीट की दूरी पर एक पीला सफेद आदमी हमारे सामने खड़ा था। वो कम से कम 7 फीट लंबा था और उसका मुंह पिराना जैसा था। वो चारों पैरों पर खड़ा हो गया और हमारी तरफ दौड़ने लगा। ब्रैड ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और हम नदी के किनारे भागने लगे, क्योंकि रात में जंगल से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता सिर्फ नदी होती है। इसके अलावा हम अंधेरे में अपना रास्ता नहीं ढूंढ सकते थे। वो आदमी हमारे बहुत पास आ रहा था और ब्रैड और मैं जितनी तेजी से भाग सकते थे भागे। हमारे रास्ते में चट्टाने, ब्रांचेस और पेड़ पौधे आ रहे थे, लेकिन हम किसी तरह से उन सभी से बच निकल रहे थे। ट्रेकिंग के दौरान हमने अपने पास बंदूक भी नहीं रखी थी, इसलिए हमारे पास सेफ्टी का कोई ऑप्शन नहीं था। उस आदमी ने मेरा पैर पकड़ लिया और अपने साथ खींचकर ले जाने लगा, लेकिन किसी तरह से मेरे हस्बैंड ने मुझे अपने पास खींच लिया और आखिरकार हम नदी में उतर गए। वो इंसान जैसा क्रिएचर नदी में हमारा पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि किनारे पर हमारे पैरेलल चल रहा था। जब ब्रैड ने अपनी हेड टॉर्च को नदी के दूसरे किनारे की तरफ बढ़ाया तो हमने अपनी लाइफ का सबसे हैरान कर देने वाला नजारा देखा। ऐसे ही 15 से 20 ज्यादा क्रिएचर दूसरे किनारे पर हमारा इंतजार कर रहे थे, इसलिए पानी से बचने की बजाय हम घुटनों तक भरे पानी से होकर चलने लगे। ब्रैड ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया था और हम इतने अंधेरे में छोटी सी हेडलाइट की लाइट से अपना रास्ता ढूंढ रहे थे। हम किनारों पर उन क्रिएचर को देख सकते थे और उनका फुरफुराना, घुरघुराना और गुर्राना लगातार तेज होता रहता था। यहाँ तक कि अजीब डरावनी पक्षियों की आवाजें भी लगातार आ रही थीं। लगभग 3:30 बजे का टाइम था और हम नदी में कई मील तक चले होंगे। हम दोनों बहुत थक गए थे। तभी नदी के बीचों बीच एक ऊंचे लकड़ी के मंच पर हमें एक छोटा सा केबिन दिखाई दिया। ये केबिन बहुत सुनसान लग रहा था। ब्रैड और मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़े और उसमें घुसने में कामयाब रहे। वो क्रिएचर अभी भी हमारे चारों तरफ थे, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सके। हम इतना थके हुए थे, इसलिए हमने थोड़ी देर झपकी लेने का सोचा, भले ही हमें पता था कि सिचुएशन खराब थी। जब मैं उठी तो सूरज निकल चुका था, लेकिन ब्रैड मेरे पास नहीं था। मैं केबिन से बाहर निकल गई और उसे नदी के बीचों बीच पानी में नहाते हुए देखा। कुछ दूरी पर हम हाईवे को देख सकते थे। ब्रैड मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और मुझे थका देने वाली रात के बाद बहुत कंफर्टेबल फील हुआ। ब्रैड केबिन में आया और मुझे गले से लगाया। वो क्या था ब्रैड? क्या तुम इस माउंटेन का नाम जानती हो? नहीं। डार्लिंग, तुमने मुझे पूरी कंट्री में तो नहीं, लेकिन स्टेट में सबसे ज्यादा शिकार किए जाने वाली जगह पर ले आई थी। इस माउंटेन को माइनस माउंटेन कहा जाता है और 1900 के दशक की शुरुआत में खुदाई के कारण ये माउंटेन गिर गया था, जिससे कई मजदूर मारे गए और बहुत से लोगों के साथ इसी तरह के एक्सपीरियंस हुए थे जो पहले भी इस रास्ते पर ट्रेकिंग करने आए थे। तुम्हारे प्यारे बर्थडे के इस सरप्राइज ने हमें लगभग मार डाला था जाने मन। मैं ये जानकर हैरान रह गई, लेकिन मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। ब्रैड के बर्थडे पर अगली सुबह हम नदी को फॉलो करते हुए हाईवे पर पहुंच गए और एक ट्रक में बैठकर घर वापस आ गए। ये अब तक का सबसे भयानक बर्थडे था और काफी डरावना एक्सपीरियंस रहा था। क्या आप में से कोई माइनस माउंटेन पर गया है?